मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस पहुंची। निर्माण कार्य की धीमी गति देख ठेकेदार को फटकार लगाई। बता दें कि भवन में 4 करोड़ रुपए की राशि से ब्लड बैंक बनाया जाएगा। हालांकि सरकारी ब्लड बैंक पहले से ही चालू है, लेकिन जरूरी मशीनें और पर्याप्त मात्रा में ब्लड न होने के कारण कई मरीजों की मौत हो जाती थी। विधायक अर्चना चिटनिस ने अपनी चिंता जाहिर की है और जल्द ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकारी ब्लड बैंक पूरी सुविधाओं से लैस है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो चिंता दिखाई है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रदीप मूसा का कहना है कि आज विधायक अर्चना चिटनिस जी यहाँ आई और औचक निरीक्षण के बाद कई कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए। ठेकेदार अनिल उपाध्याय का कहना है कि ये भवन अब पूरी तरह से मजबूत होगा, जिसकी हम गारंटी लेते हैं। हाँ, मैंने देखा जिला अस्पताल के ऊपर भी 6 करोड़ की बिल्डिंग सैंक्शन है, 6 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग, उसकी वो मजबूती बनी रहे उसकी आज मैंने चिंता करने का प्रयास किया है और कंसर्न एजेंसी और इंजीनियर्स को बुला के उस पर और विस्तार से मैं बात करूँगी। और एक 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। करीब करीब 6 करोड़ या 4 करोड़ की सैंक्शन है हमारे ब्लड बैंक वाले और इक्विपमेंट्स के लिए। और आपको याद होगा आज के 8 साल पहले तो बुरहानपुर में सरकारी ब्लड बैंक ही नहीं था। हम ब्लड बैंक सैंक्शन करा के लाए और शुरुआत में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में ब्लड बैंक शुरू हुआ था। और अब ब्लड बैंक का सिर्फ पर्याप्त नहीं था, मैं ये समझती थी और इसकी इम्पोर्टेंस कोरोना में हमने और अधिक समझी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की और स्वास्थ्य मंत्री हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी की बहुत आभारी हूँ कि इस सरकार में इसको और गति प्रदान करी है। और अभी मैंने बात भी करी कि सोमवार मंगलवार में इसका जो विजिट करने वाला एक टीम आती है जिसके बाद लाइसेंस मिल जाता है, NOC इनको हम दिलवा चुके हैं जो उनकी रुकी हुई थी। एक मशीन ब्लड सेपरेटर की जो 50 लाख की मशीन है उसको आने में विलम्ब हो रहा था, फिक्र करके वो मशीन यहाँ पे पहुँची, इसको सुनिश्चित किया है। आज मैंने डोनर्स की सूची ली है कि डोनर्स की संख्या बढ़ना चाहिए। ब्लड सेपरेटर से वो एक डोनर का जो ब्लड मिलेगा वो 3-4 लोगों के काम आएगा। और जब वो यहाँ पर आए तो से अंदर की तरफ आए, वहाँ पे निरीक्षण किया सभी पेशेंट्स और PDA सब देखा। उसके बाद बेसिकली तो सबसे मेरे को यहाँ पर जो हमारा जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक पे मेरा एक उसके एक उसका लाइसेंस और एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेट जो यूनिट है उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन हम जल्दी मिलाएंगे जो कि बुरहानपुर की जनता के लिए बहुत ही अच्छा कलाकारी रहेगा कि सभी को ब्लड और उसके जो अलग अलग उसके निकलते हैं जो सेगमेंट्स वो सभी बीमारों को मिल जाएगा। और दूसरा हमने यहाँ पर एक्सरे रूम देखा, एक्सरे में भी हमारी दो मशीनें संचालित था वो भी अच्छे से कार्य कर रही है। फिर उन्हें जैसे आज आगे हमारी ये इस बात की तारीफ करेगी जो लेबर के सामने ही होती है उन्होंने मांगा को ये लगता है डॉक्टर साहब की अगर इसको ऑपरेशन के लिए लेना है तो सीधे उसको एक्सरे बिल्कुल चिन्ह पर कदमों के दूर ले जाकर वहाँ पर उसका सही हो जाता है।